Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, चित्र देखिए दिया हुआ है। एक 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से, देखिए ये भूमि का स्तर हो गया। यहाँ पर एक लड़की इस प्रकार से खड़ी है और ये लड़की जो है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही। देखिए ये लड़की है 1.2 मीटर ऊंची लंबी और ये लड़की जो है हवा में 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज गुब्बारे को उड़ते हुए देख रही है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि एक गुब्बारा ये यहाँ पे है और ये उड़ करके गुब्बारा यहाँ पे पहुँचती है। भूमि स्तर, तो ये देखिए गुब्बारा का जो पोजीशन दिया हुआ है 88.2 मीटर, ये भूमि स्तर से है। अगर यहाँ से हम लोग नापते हैं इस लड़की के ऊंचाई को छोड़ करके यहाँ से, तो ये ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ कितना रह जाएगा। देखिए पूरा ऊंचाई है 88.2, उसमें से ये ऊंचाई जो है वो है 1.2 मीटर, तो वो माइनस हो जाएगा। तो अगर 88.2 में से 1.2 को माइनस कीजिए कितना बचेगा, 87 मीटर। कितना बचेगा, 87 मीटर। तो यहाँ से यहाँ का जो ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा 87 मीटर। 87 मीटर इधर कर लेते हैं इसको। इस बिंदु का नाम दे दीजिए ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई और इसका एफ। अब ये जो दो बैलून है, दो गुब्बारे हैं, लड़की के उन्नयन कोण कहता है कि 60 डिग्री से घट करके कुछ समय के बाद 30 होता है। देखिए जब ये यहाँ पर गुब्बारा है तब इसके आँख पर जो उन्नयन कोण बनता है ये बनता है 60 डिग्री का, और ये गुब्बारा जब यहाँ से यहाँ पे जाता है तब उन्नयन कोण घट जाता है, और ये उन्नयन कोण घट करके हो जाता है यहाँ पर, देखिए ये उन्नयन कोण घट कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा जो गया है यही दूरी हम लोग को निकालना है, एक्स मीटर जो भी है वो दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को। भूमि पर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है और ये 88.2 मीटर ऊंचा एक गुब्बारे को उड़ते हुए देख रही है। किसी क्षण लड़के के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और ये उन्नयन कोण घट करके कितना हो जाता है 30 डिग्री कुछ समय के बाद, मतलब गुब्बारा उड़ करके यहाँ से यहाँ गया, इसका उन्नयन कोण घट गया। तो यहाँ से यहाँ जो है गुब्बारे का दूरी वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं जी, और इस पॉइंट का नाम यफ, तो हो गया है ना, यच रख लीजिए, ठीक है। अब त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज देखिए यफ ई और यच में, तो समकोण त्रिभुज यफ ई और यच में, समकोण त्रिभुज यफ ई यच में देखिएगा ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने ये वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब और ये नीचे आ जाएगा जी से ई आधार, तो लंब और आधार किस में आएगा टैन में, तो ले लीजिएगा टैन 60 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब कितना होगा यफ से ई और आधार हो जाएगा ई से लेकर के यच तक। अब मान रख दीजिएगा टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर, देखिए यफ से ई, देखिए अगर ये 87 मीटर है तो ये वाला भी कितना होगा 87 मीटर, चूँकि दोनों समानांतर है, दोनों क्षैतिज रेखा में बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा
87 मीटर और बटा नीचे रह जाएगा ई और यच आधार वैसे ही। अब देखिए ई से यच अगर हम लोग निकालेंगे तो ई से यच कितना निकल जाएगा 87/√3 मीटर, यानी इसका परिमेयकरण अगर कर दीजिएगा तो ई एच इक्वल टू 29√3 मीटर निकल जाएगा। रूट तीन से ऊपर रूट तीन से नीचे गुना करेंगे नहीं तो कितना आएगा 29√3 मीटर। अब इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज अब लीजिए, अब त्रिभुज एच बी सी में, एच बी सी में देखिए एच बी सी भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, थीटा के सामने ये लंब का काम करेगा और यहाँ से यहाँ पूरा आधार का काम करेगा। तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब का काम करेगा देखिए बी से सी और आधार का काम करेगा सी से एच। टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3 बी से सी, देखिए बी से सी कितना है 87 मीटर और सी से एच को दो पार्ट में तोड़िए। देखिए सी से एच जो बड़ा वाला दूरी है उसको हम लिख सकते हैं ई सी प्लस सी एच ई एच, देखिए यहाँ से सी ई और यहाँ से एच ई, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा क्या निकलेगा एच और सी निकलेगा नहीं सी एच निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई सी और प्लस एच ई। उसके बाद यहाँ से मान रख दीजिएगा, देखिए 1/√3 इक्वल टू 87 मीटर बटा देखिए ई से सी, ई से सी, ई से सी को हम कितना माने हैं एक्स प्लस एच ई, एच ई का मान कितना आया है 29√3। अब इसको क्रॉस करिएगा तो क्रॉस करेंगे एक से वही रह जाएगा तो एक्स प्लस 29√3 और इधर गुना करेंगे तो 87√3 और देखिए किसका मान निकालना है x का तो x इक्वल टू 87√3 और इसको इधर ले जाएंगे तो -29√3। अब देखिए x इक्वल टू 87 में से 29 जाए कितना बचेगा 58 और √3 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो 58√3 मीटर आएगा। 58√3 यानी दोनों गुब्बारे के बीच का दूरी कितना मिलेगा 58। 15 नंबर में कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए समझिए कि यहाँ पर कहीं मान लीजिए कि एक मीनार है, ठीक है, ये ए और ये बी क्या हो गया एक मीनार है, ये मीनार का कौन सा पॉइंट कहलाएगा शिखर और ये मीनार का क्या कहलाएगा पाद, ठीक है। अब कहता है एक राजमार्ग ये मीनार के पाद तक जाता, तो मान लीजिए कि देखिए ये ऐसा राजमार्ग है, ठीक है, ये राजमार्ग हो गया और ये राजमार्ग कहाँ जा रहा है देखिए मीनार के पाद तक जा रहा है। अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए अवनमन कोण कब बनेगा जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। देखिए यहाँ मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा होकर एक कार को देखता है तो नीचे देखेगा कार को और उसका अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। तो मान लीजिए कि वो कार को यहाँ पर देखता है, किस बिंदु पर देखता है ए बी एस सी पर देखता और सी पर देखता है ये पर इस प्रकार से नीचे नीचे, तो इसका अवनमन कोण कहाँ बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच। तो ये मान लीजिए कि क्षैतिज स्तर है पृथ्वी, ये जो राजमार्ग है उसके समानांतर खींचेंगे तो क्या कहलाएगा क्षैतिज स्तर क्षैतिज रेखा, ये वाला जो अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो देखिए ये दोनों रेखा समानांतर हो जाएगा और ये तिर्यक रेखा ये 30 तो ये कांतर कोण से ये वाला भी 30 डिग्री, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, जो मीनार के पाद के एक ओर समान चाल से चला जाता, देखिए ये जो कार है जो यहाँ से वो देख रहा है आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, ये कार यहाँ पर रुका हुआ नहीं है वो मीनार के पाद पर एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है। तो एक समान चाल से ये कार मान लीजिए कि इधर चल रहा है, इधर चल रहा है कार इस प्रकार से और ये कार जो है 6 सेकेंड के बाद 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है,
ठीक है। तो ये कार जब यहाँ से इधर चलता है कितना चलता है, 6 सेकेंड तक, कितना चलता है 6 सेकेंड तक। तो मान लीजिए कि ये यहाँ डी बिंदु पर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद जो इसका अवनमन कोण होता है, ये डी बिंदु यहाँ पर कर लेते हैं, इसका अवनमन कोण ये देखिए, ये बढ़ के कितना हो जाता है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो एकांतर कोण से ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लगा गया समय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चा, देखिए ये कार तो लगातार गतिशील है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा 60 डिग्री, और ये यहाँ पर भी नहीं रुका, ये चलते चला गया, तो यहाँ पर भी पहुँचेगा मीनार के पाद तक भी। तो हमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक यानी बी से डी तक पहुँचने में कितना समय लेगा, जबकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लेता है 6 सेकेंड लेता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना सेकेंड लेगा वो ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि मीनार का जो ऊंचाई दे रखा है वो एक्स यूनिट है, क्या है एक्स यूनिट, यूनिट माने मात्रक, तो एक्स मीटर हो सकता है, एक्स किलोमीटर हो सकता है, एक्स सेंटीमीटर हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये एक्स यूनिट है, और ये यहाँ से यहाँ, इसको मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो बाई यूनिट है, यानी जो यूनिट इधर रहेगा, अगर इधर है एक्स मीटर तो इधर बाई मीटर, इधर है एक्स किलोमीटर तो इधर बाई किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो पहुँचता है 6 सेकेंड में, तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा, कुछ ना कुछ उसका चाल होगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि कार को सी से डी तक पहुंचने में चाल बराबर है 1 यूनिट प्रति सेकेंड, समझिए 1 यूनिट प्रति सेकेंड, यानी अगर ये मीटर में है तो ये 1 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर ये किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा फिर यहाँ पे हो जाएगा, मतलब मात्रक यहाँ पे चेंज हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ये चाल 1 यूनिट प्रति सेकेंड है तो हम लोग को फॉर्मूला देखिए पता है, दूरी बराबर क्या होता है बोलिए, चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब देखिए C से D तक में चाल है 1 यूनिट प्रति सेकेंड, और गुना समय कितना लेता है 6 सेकेंड, समय कितना लेता है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, देखिए 1 गुना 6 करेंगे तो 6 सेकेंड से सेकेंड ख़त्म, तो यूनिट बचेगा। तो इसका मतलब है कि C से D का दूरी कितना है 6 यूनिट। अब फिर से समझिए, यहाँ से ये एक्स यूनिट है मतलब एक्स मीटर मान लीजिए, ये बाई यूनिट है मतलब बाई मीटर, तो बाई यूनिट कहाँ से कहाँ है डी से बी, और सी से डी कितना यूनिट आ गया 6 यूनिट मतलब 6 मीटर। अब हम लोग इसमें त्रिकोणमिति लगा सकते, क्या लगा सकते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति लगाने के लिए अब यहाँ से देखिए, ले लीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज छोटा बड़ा ले लीजिए, छोटा बड़ा त्रिभुज क्या बन रहा है बी ए और डी, ए बी डी में, ए बी डी में देखिए सामने का भुजा क्या हो गया लंब, और ये नीचे आधार, तो लंब और आधार किस में आएगा टैन में, तो टैन 60 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब कितना माने हैं एक्स यूनिट, और आधार कितना माने हैं बाई यूनिट। और देखिएगा टैन 60 का मान √3 और एक्स बटा बाई, इसीलिए यहाँ से आप एक्स निकाल लीजिए तो एक्स कितना निकलेगा √3 बाई, समीकरण इसको एक कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए फिर से, टेन 60 का मान √3 हो गया, एक्स बटा बाई, यहाँ से एक्स निकालिएगा तो इधर गुना हो जाएगा। अब फिर एक त्रिभुज बराबर लीजिए ए बी और सी में, बराबर त्रिभुज में ले लीजिए, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में अभी देखिए कौन सा एंगल हम लोग ले लेंगे, टेन 30 डिग्री लेंगे, तो सामने का भुजा मीनार का ऊंचाई, लंब का काम करेगा एक्स, और नीचे आधार का काम करेगा पूरा बी से सी तक। उसके बाद अब यहाँ से देखिएगा टेन 30 का मान 1/√3 और एक्स, फिर बी से सी को दो पार्ट में तोड़िए,
डी से बी और उसी में डी से सी जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए ये इतना पार्ट क्या है बी डी और ये इतना पार्ट सी डी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बी सी। तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी, और देखिए एक बटा रूट तीन इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है रूट तीन इंटू बाई बटा सी डी। सी डी का मान देखिए हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, सी से डी कितना निकला है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट और प्लस बी डी, बी डी बी से डी कितना है बाई यूनिट बाई। अब इसको क्रॉस करिए तो क्रॉस करेंगे तो 6 प्लस बाई रूट तीन गुना रूट तीन तीन और बाई। अब देखिए इसको यहाँ ले जाएंगे तो बाई हो जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा 6 बराबर 2 बाई तीन दूनी 6, तो बाई का मान कितना आ गया 3 यूनिट। अभी देखिए ये बाई का मान आया है 3 यूनिट, अभी समय नहीं आया है, क्या निकालना था हम लोग को, समय निकालना था कि बी से डी यानी ये जो बाई यूनिट है इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर अब हम लोग निकाल लेंगे। इसीलिए समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए अगर यहाँ से आप देखिएगा कि दूरी बराबर चाल गुना समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना निकला 3 और चाल हम लोग कितना माने थे 1 यूनिट पर सेकेंड, तो हो जाएगा 1 यूनिट पर सेकेंड, तो 3/1 यानी 3 और यूनिट प्रति सेकेंड, समय निकालना था ना तो 3 सेकेंड लिख ले, क्या लिख लेगा 3 सेकेंड, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए समझिए कि एक मीनार इस प्रकार से बना लीजिए, एक मीनार ध्यान दीजिएगा ये मीनार है और इसका नाम रख दीजिए ए बी। इस मीनार का आधार, देखिए आधार मतलब पाल, तो ये आधार हो गया, यहाँ से सरल रेखा, देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर 4 मीटर, ये 4 मीटर का दूरी हो गया और फिर 9 मीटर का दूरी, तो ये मान लीजिए कि 9 मीटर का दूरी है, दोनों दूरी कहाँ से लेना है मीनार के आधार से, समझिए फिर से एक मीनार है, मीनार के आधार से सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण कब बनेगा जब ऊपर से देखेंगे, तो यहाँ से देखिए ये उन्नयन कोण और ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा नीचे, ये उन्नयन कोण बनेगा और ये उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब जिन 2 कोणों के योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे, जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसे पूरक कोण कहेंगे, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा, अगर ये कोण 30 है तो ये 60 होगा तब ना 90 पूरेगा दोनों, तो देखिए ये अगर 30 है तो ये 60 कैसे निकालिएगा 90 माइनस 30 करके, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और हमको सिद्ध करना है कि ये जो मीनार का ऊंचाई है ये यच ये 6 मीटर आना है, ठीक है ये सिद्ध करना, ये दिया हुआ है कि 6 मीटर तो होगा लेकिन आप सिद्ध कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा देखिए त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने का भुजा क्या होगा लंब, तो ए बी लंब और बटा ये आधार हो जाएगा बी सी और ये किस में आता है टैन थीटा में, और देखिएगा टैन थीटा इक्वल टू ए बी कितना है यच अभी 6 लाना है हम लोग को, आंसर दिया हुआ है यच 6 लाना है, 6 लिखेंगे नहीं, बी से सी कितना है 4 मीटर, तो 4 हम लिख सकते हैं मीटर, इसको कर दीजिए समीकरण 1। अब ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, तो अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब देखिए ए बी डी में ये पूरा एंगल है सामने लंब नीचे आधार, तो एंगल अब कितना लेंगे टैन
90 डिग्री माइनस थीटा, लंब ए बी, आधार बी से डी। और देखिएगा आप एक फॉर्मूला किए होंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, कितना कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू ए बी, ए बी का मान कितना है एच, और बटा बी डी, बी से डी कितना है देखिए 9 मीटर, कितना है 9 मीटर। और ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, कैसे लिखिएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा 9 बटा एच। देखिए टेन थीटा, टेन कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो अगर इधर टेन लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। समीकरण दो, अब देखिए समीकरण एक में भी टेन थीटा है, समीकरण दो में भी टेन थीटा है, तो अगर इधर दोनों बराबर है तो इधर भी दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण एक तथा किससे दो से, समीकरण एक तथा दो से देखिए यच बटा चार, और इधर कितना है 9 बटा यच। अब क्रॉस कर दीजिए यच गुना यच, यच स्क्वायर, और 9 गुना चार 36। और देखिए अब देखिए इस स्क्वायर को इधर लाइए तो यच इक्वल टू अंडर रूट 36, तो यच इक्वल टू 36 किसका वर्गमूल होगा 6 का, यानी ऊंचाई हम लोग को 6 मीटर लाना था, ये 6 मीटर आ गया। क्लियर, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, प्रश्नावली 9.1।